नमस्कार दोस्तों, शॉटगन की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक 12 बोर विदेशी शॉटगन पर वीडियो बना रहे हैं हम ये, और ये इम्पोर्टेड राइफल है। और कुछ लोग बोलते थे कि शॉर्ट बैरल पर भी वीडियो बनाई जाए, तो आज की ये वीडियो जो है ये शॉर्ट बैरल पर है। दोस्तों ये है मेड इन इंग्लैंड WW ग्रीनर। इस कंपनी की स्थापना 1829 ईस्वी में विलियम ग्रीनर ने की थी। ये कंपनी आज भी फायर आर्म्स बना रही है। इनकी अपनी वेबसाइट है WW ग्रीनर, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और ये जो शॉटगन आप देख रहे हैं ये इसी कंपनी की है, और ये एक ब्रीच लोडेड 12 बोर शॉटगन है जिसे कि ग्रीनर GP भी कहा जाता है। ये बहुत ही यूनिक शॉटगन है। एक ये आप इसकी फ्रंट साइड देख रहे हैं निशाना लेने के लिए। अब जरा इसकी बैरल की लंबाई देखते हैं। ये 26 इंच बैरल लेंथ है, शॉर्ट बैरल है ये। यहाँ इसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, 2.3x4 इंच इसका चैम्बर है और ये चोक बैरल है। अब जरा इसकी चोक को देखते हैं। इस गेज से हम देख रहे हैं कि इसकी बैरल जो है वो चोक है, क्योंकि ये 26 इंच बैरल लेंथ है, तो अगर ये चोक रहेगी तो इसका स्प्रेड थोड़ा कम रहेगा। और यहाँ इसका वजन हम देख सकते हैं 3 किलो 130 ग्राम। मेरे हाथ में एक ग्रीनर मेड इन इंग्लैंड की बैरल बहुत ही शॉर्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 26 इंच बैरल है और ये ब्रीच लोडेड है। इसमें फिलहाल मैंने एक डमी कारतूस डाला हुआ है। तो जैसे अगर ये फायर पे मैं इस टाइम, ये इसकी सेफ्टी है, इसमें मैंने डमी कारतूस इस टाइम एक डाला हुआ है। ये अगर मैंने इसकी सेफ्टी ऑन कर दी और फायर नहीं की और फिर इसको अगर मैंने खोला, ये सेफ्टी पीछे हट गई, मतलब ये ऑटो सेफ है। ये अगर मैं इसको सेफ्टी ऑफ करूंगा कारतूस नहीं जाएगा अंदर, तो इसको कारतूस अंदर डालने के लिए मुझे इसको थोड़ा और नीचे दबाना पड़ेगा और ये सेफ्टी यहां से पीछे आ गई, ऑटो सेफ पे चली गई है। तो ये कारतूस चैम्बर में गया और इसको ध्यान से ये करें, क्योंकि यहां मुझे इसका एक, ये मेरी स्किन इसके अंदर आ गई, यहां दब गई यहां से। तो ये फायर के लिए ये इसकी सेफ्टी और ये फायर। अब इसका खोलने के लिए ये जैसे ब्रीच लोडिंग राइफल होती हैं, ये बाहर फेंका इजेक्टर है मतलब इसके अंदर, और ये दूसरा कारतूस डाला मैंने इसके अंदर। इसको काफी पूरा नीचे तक करें तभी इसके अंदर कारतूस जाएगा। और जब ये कारतूस इसमें गया तो अब ये बंद, ये बाहर, पूरा नीचे करें। और ये सेफ्टी हटाकर फायर, जब हम देख पा रहे हैं ये इजेक्टर है ये, और इसकी बैरल चोक है। जैसा कि हमने पहले देखा इसकी बैरल चोक है और 3 किलो से ऊपर इसका वजन है। थोड़ा इसको बोलूंगा मैं, जैसे फॉरेन की हम डबल बैरल देखें तो उनके हिसाब से इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। ओरिजिनल कंडीशन में है ये गन। इसका स्टॉक देखें अगर हम, हैंड गार्ड काफी बड़ा हैंड गार्ड है इसका, कोई अपने अपने हिसाब से जहां से मर्जी गन को पकड़ सकता है अपनी अपनी ग्रिप के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ब्रीच लोडिंग ग्रीनर 26 इंच बैरल लेंथ में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।